Students, good morning to all of you. Today dated 11-8-2021, class 10th, subject science, topic binary fission and multiple fission. तो बच्चों हम asexual reproduction के बारे में पढ़ रहे हैं. हमारा chapter जो है ये हमने लिया है, chapter number 3 है, ये हमने bio से लिया हुआ है. तो हम पढ़ रहे थे कल फिशन के बारे में. तो फिशन में मैंने आपको बताया ये जो है हमारे पास एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो हमने इसमें कल पढ़ा के द प्रोसेस ऑफ फिशन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये सेपरेट होता है, या जैसे हम कहेंगे डिवाइड होता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं इससे. तो इसमें हमारे पास फिशन में भी किस्में हैं, एक को हम कहेंगे बाइनरी फिशन और दूसरे को हम कहेंगे मल्टीपल फिशन. तो सबसे पहले हम अगर बात करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन जो है इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. बाइनरी फिशन जो है ये क्या है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या है, ये है बाइनरी फिशन जो है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें क्या होता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड होता है. इन बाइनरी फिशन जो है एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन है. इन बाइनरी फिशन द पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये सेपरेट, इसमें क्या होता है, इन बाइनरी फिशन द पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या होता है, सिप्लिट्स हो जाता है. सिप्लिट्स तो इससे क्या बनता है, टू फॉर्म टू दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, टू अभी मैं आपको इसकी डायग्राम भी बताऊंगी. सो व्हेन दिस हैपन द पैरेंट ऑर्गेनिज्म जो है सीजेस टू एग्जिस्ट एंड टू न्यू ऑर्गेनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस. हमारे पास ये जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमूबा पैरामिशियम और फिर है बैक्टीरिया, ये करते हैं रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. इसमें कौन कौन सा आता है मैंने पहले बताया हुआ है, अमूबा पैरामिशियम एंड बैक्टीरिया. ये क्या होता है, इससे ये रिप्रोड्यूस होता है बाय बाइनरी फिशन. तो यहां मैं अभी आपको इसकी एक डायग्राम बताने जा रही हूं. देखिए ये हमारी डायग्राम है किसकी, बाइनरी फिशन की. इसमें आप देखो यहाँ ये है किसकी डायग्राम है, ये अमूबा की. अमूबा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है इसके अंदर. तो अमूबा जो है ये रिप्रोड्यूस होता है किसके जरिए, बाइनरी फिशन के जरिए. यहाँ देखिए ये अमूबा जो है यहाँ पेरेंट सेल है ये, तो पेरेंट सेल जो इसका जो है ये फुली ग्रोन अमूबा है, पूरा बड़ा अमूबा है तैयार हुआ ये. इसके अंदर यहाँ ये न्यूक्लियस है, ये आ गया इसका साइटोप्लाज्म. अब जब ये इसके अंदर डिवीजन होगी, सेल डिवीजन, तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो है ये क्या होगा, न्यूक्लियस लेंथेंस बड़ा हो जाएगा इसका, न्यूक्लियस थोड़ा इस तरह चपटा सा हो जाएगा सेल डिवीजन के वक्त. यहाँ देखिए न्यूक्लियस जो है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में, एक यहाँ एक यहाँ. उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो है तो वो तो डिवाइड होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ क्या होगा इसका डिवाइड, साइटोप्लाज्म. यहां से ये साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, और एंड पर क्या होगा, टू डॉटर सेल जो है इसके, टू स्मॉलर अमूबा जो है ये क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे. एक यहां बन जाएगा कंप्लीट अमूबा और एक यहां बन जाएगा कंप्लीट अमूबा. इसको हम कहते हैं सेल डिविजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन बाइनरी फिशन द पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म जो है ये सेपरेट होता है टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म. होगी यहां तक बात खत्म.
हमने देखा कि बाइनरी फिशन में क्या होता है. नाउ आप मल्टीपल फिशन जो है, मल्टीपल फिशन जो है, इस इन मल्टीपल फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सिप्लिट्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम. उसमें क्या होता है बाइनरी फिशन में, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये दो हिस्सों में बढ़ता है. लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये सिप्लिट होता है, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. वो कैसे, जैसे आप एक प्लाज्मोडियम को ले लो, मतलब समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ए सिस्ट और प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्मड अराउंड द सेल ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. जैसे हम प्लाज्मोडियम को ले लो, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर एक सेल होगा, अभी मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊंगी. देखो ये अगर हमारे पास हम एक प्लाज्मोडियम को ले लें, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ देखिए ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है साइटोप्लाज्म सेल, और ये आ गया यहाँ पर सिस्ट बन जाती है. क्या बन जाती है सिस्ट, किसके अंदर बन जाती है, प्रोटेक्टिव वॉल के ऊपर बन जाती है. यहाँ पर देखिए क्या होती है, ये सिस्ट जो थी यहाँ एक थी, यहाँ बहुत सारी बन गई, मेनी डॉटर सेल जो है प्रोड्यूस्ड बाई मल्टीपल फिशन, इसके अंदर बहुत सारे बन जाते हैं सेल, बन गए. अब यहां पर क्या होता है, ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है ब्रेक, और डॉटर सेल यहां पर रिलीज हो जाते हैं. ये किसकी बात हो रही है यहां पर, मल्टीपल फिशन में, यहां एक थी, यहां बहुत सारे बन गए, और यहां पर फिर ब्रेक हो गए, अलग अलग हो गए. तो इनसाइड द सिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ सेल जो है ये सेपरेट हो जाते हैं सेवरल टाइम टू फॉर्म मेनी स्मॉलर न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई. तो यहाँ आपको बात समझ आई होगी मेरे ख्याल, ये होता है हमारे पास मल्टीपल फिशन के बारे में. तो कल हम अगला पढ़ेंगे. शुक्रिया.